सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर पूर्णिमा का त्यौहार हमारे सम्मुख है और इस पूर्णिमा के त्यौहार में, इस पर्व में, जहां गुरु दर्शन, गुरु पूजन, गुरु का चिंतन, गुरु का कीर्तन, गुरु का जाप, गुरु के द्वारा दिए गए संदेश, गुरु के प्रवचन आप लोग सुनेंगे, इसी के साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने अंदर जो भी कुछ आप अब तक आलस्य करते रहे हैं, जो भी नियम का उल्लंघन करते रहे हैं, अब नया निखार, नया सुधार और आए, अपनी आत्मा को और ऊंचा उठा सकें। हम परम की यात्रा के लिए संसार में हैं, उस आनंद यात्रा के लिए हम जो निकले हैं, गुरु उसमें मार्गदर्शक है, उस लाभ को और अधिक लें। दुनिया में उलझते जा रहे हैं, उम्र आगे बढ़ती जा रही है, चलना हम लोग नहीं सीख पाए, चलते चलते जिंदगी की सांझ हो गई, एक नया रूप लेकर के फिर से हमें खड़ा होना है, तो नए संकल्पों के साथ उठना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि अंदर से भी आपको अमीर बनना है, घर में भी आपके अमीरी और खुशहाली आए, आपको ये भी देखना है कि आपका भविष्य और ज़्यादा सुधरे, आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो सके, आपके घर में, आपके रिश्तों में और अधिक प्रेम आ सके। ये सब आशीर्वाद आप सद्गुरु से प्राप्त करने के लिए इस समय आएंगे, आ रहे हैं, मिलते हैं, मिलने की परंपरा है, लेकिन कोशिश करो सभी देवी देवताओं की शक्तियां गुरु पूर्णिमा में गुरु के अंदर आती हैं और गुरु के द्वारा शिष्यों को मिलती हैं, तो ऐसे अवसर पर हम सबका कर्तव्य है कि हम जहां अपने गुरु के प्रति कोई भी दान दक्षिणा देते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करें कि दान दक्षिणा देना एक कार्य हो सकता है, पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये जरूर होना चाहिए आप अपनी कमजोरियां, अपने दोष, अपने खोट भी गुरु को दें, त्याग दें और गुरु से वो कुछ लेकर जाएं जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ सके, पूर्णता आ सके। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, सबके घरों में खुशहाली आए, सबके जीवन में प्रसन्नता आए, सभी निरोग हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।